लगभग 18-19 दिन से तो काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे में अपने आप को 166-167 के बेस बना रहा है। 4-5 दिन का जो इमीडिएट हर्डल था 179 उसको अब काउंटर पार करने वाला है और उसके साथ में भी एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के सरपास डेली चार्ट में हो जाएगा, तो जरूर यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे क्योंकि पूरा सेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 173 के इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे आपको, लगभग 190-192 तक के अपसाइड टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं जी। वीरेन जी, रेन इंडस्ट्रीज को देखिए, ये एक हाई बीटा काउंटर है आपके सामने, ऑलरेडी लगभग 15 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 5 दिन की एवरेज है 27 लाख और 4 दिन की गिरावट में आपने कोई वॉल्यूम नहीं देखा। अगर आप पहले आधे घंटे का ट्रेड देखें तो बढ़िया तरीके से आपको तेजी में दिख रहा है रेन इंडस्ट्रीज। फिलहाल प्राइस 178। जी हाँ, एयर इंडस्ट्री से अगर आप देखिए तो वॉल्यूम शैल जी काफ़ी इंप्रेसिव है। कल के टोटल वॉल्यूम का आप समझ लीजिए कि 261 और लगभग यहाँ पे 1 इंचेस, यानी करीब करीब 50-60% वॉल्यूम कंप्लीट कर चुका है रेट इंडस्ट्रीज। आप समझ लीजिए कि ये तारीख थी इसकी 4 मई की, 4 मई से लेके अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को पार करता हुआ और इस ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट आया है 176 के ऊपर, यानी एक स्विंग इसको कहां तक अगर आप देखें 183-184 का थ्रस्ट कन्वर्ट करेगा। आपकी राय इस पे एक और चाहूंगा आपका मैं, मानस 186-188-190 इसको रीगेन करने की कोशिश करेगा ये स्टॉक, इस टिपिकल अगर आप देखें स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ। देखिए लगता तो ऐसे ही है कि वापस 190 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा समय स्टॉक ने निकाला और आज एक ब्रेकआउट मूव है, स्टॉक ने 177 के स्तर ब्रेक किए हैं बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तो डेफिनेटली 190 रुपए का होगा। अभी खरीदारी करिए और 173 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रखिए और बाय करिए। इस बीच अगर आप देखें एक बार मेरे ख्याल से